भारतीय बेकार सेवक पूर्ण विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर से संबंधित सभी कार्यक्रमों को फैसले आने तक स्थगित कर दिया। विश्व हिंदू परिषद किसी भी तरीके का शौर्य दिवस, विजय दिवस और संकल्प दिवस जैसे कार्यक्रमों को आयोजित नहीं करेगा। कार सेवक पूर्व में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मसले को लेकर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट नवंबर माह में कभी भी फैसला सुना सकता है। ऐसे में देश हित को सोचते हुए वे राम मंदिर से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, जिससे देश का माहौल सांप्रदायिक ताकते खराब कर सके। वीप फैसले आने पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करेगी। वीप न ही सड़कों पर खुशियों का इजहार करेगी और न ही किसी कार्यकर्ता को ऐसा करने की इजाजत देगी। वीप के सहयोगी संगठन बजरंग दल ने भी अपने त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम को रद्द करने की बात कही है। अयोध्या कार सेवक पुरम में भी किसी भी तरह का कार्यक्रम संतों के विमर्श पर भी आयोजित किए जाएंगे। वीप हर हाल में यह ध्यान रखेगा कि सांप्रदायिक ताकते देश की हालात खराब करने में कामयाब नहीं हो सके। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं और इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना रचना प्रारंभ से होती रही है। चाहे वो 84 में संकल्प का कार्यक्रम हो, 90 की कार सेवा हो, 86 में ताला खुलने का विषय हो, 89 में शिलान्यास का विषय हो, 2002 में जो है शिलादान का विषय हो और उसके बाद जो है तमाम तरह के कार्यक्रम हैं। 92 में ढांचा ध्वस्त हो जाता है, उसके बाद के भी कार्यक्रम ये 2002 और 2003 उसके बाद 2005 इस प्रकार से चलते रहे। आज जो है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंच गया और गतिशीलता है। सर्वोच्च न्यायालय बड़ा संवेदनशील है विषय को देखते हुए। हम सब ने जो है कभी भी किसी के विरुद्ध किसी विषय को नहीं उठाया। हमने अपने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना रचना बनाई संतों के मार्गदर्शन में, और वर्तमान में भी जो संत तय करते हैं उसका हम पालन करते हैं, वो मार्गदर्शक हमारे हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संगठनात्मक प्रकार से जो भी कार्यक्रम निश्चित हैं, बैठकें वगैरह, वो तो अपने स्थान पर चलती ही रहेंगे, लेकिन इस फैसले को लेकर किसी भी प्रकार से कोई योजना नहीं बनी है, ना कोई कार्य इस प्रकार का वो बना कि विजय संकल्प बना करेंगे या विजय दिवस मनाएंगे या तत्काल जो है हम जो है किसी भी प्रकार से कोई विरोध करने लगेंगे, ऐसा कोई योजना अभी तक नहीं आई है। क्योंकि संत धर्माचार्य सभी जो है इस विषय से चिंतित है कि आने वाले दिन में जो है निर्णय आने वाला है और इस निर्णय को गंभीरता से लिया जा रहा है, और हम समझते हैं कि भगवान रामलला जहाँ विराजमान हैं वहाँ उनके पक्ष में ही निर्णय आने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से तथ्य मिले हैं हमारा और तमाम तरह के जो सबूत हैं उसको ध्यान में दिया जाए, देखा जाए, और अदालत जो है अगर इसको देखेगी और इस पर ही चिंतन करेगी तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं की विजय होगी। लेकिन हम अति उत्साह में किसी भी प्रकार का ऐसा कार्यक्रम या ऐसे रैली या इस प्रकार का कोई विजय दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाने की योजना हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अदालत है, उसका सम्मान करते हैं, उसका हम सब जो है आदर करते हैं। और दूसरी बात यह कि यह देश जो है भारत माता के सभी पुत्र हैं और भारत माता की रक्षा के लिए ही हम सब हैं और भारत के उत्थान के लिए हैं। अगर भारत का उत्थान होगा तो सभी का उत्थान होगा। उसी प्रकार से राम जन्मभूमि का भी विषय हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अति उत्साह में कोई इस प्रकार का कार्यक्रम हम नहीं करने वाले हैं जिससे वातावरण कोई गैर लोगों को बिगाड़ने का मौका मिले। क्योंकि आज विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ भी सक्रिय हो गई हैं जो नहीं चाहती हैं कि यह देश जो है शांतिमय बना रहे, शांति स्थापित रहे यहाँ पर, तो वह अभी किसी न किसी प्रकार से हरकतें कर सकती हैं। तो इसलिए जो है हमारा विजय ही अगर होगा तब भी हम इसको धैर्य से इसका वो सम्मान करेंगे, इसको अपनाएंगे, और अगर जिस भी प्रकार से फैसला आता उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है हम पूर्ण रूप से हम सबका ध्यान जो है भारत की जो है न्यायालय पर है, भारतीय कानून व्यवस्था पर है, और उसको देखते हुए अभी इस प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं जो मंदिर से संबंधित हैं। संगठनात्मक तौर से जो भी कार्यक्रम है वो अपना वो लोग कर रहे हैं, लोग करते भी हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोगों की दो दो तीन तीन बैठकें होती हैं और ये केंद्र की बैठक होती है, प्रांत की बैठक होती है, जिलों की बैठक होती है, तो वो चलते रहते हैं कार्यक्रम। लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर कोई इस प्रकार की रणनीति योजना अभी नहीं बनी है। आने वाले दिनों में संत धर्माचार्य जैसा तय करेंगे हम सब उस कार्यक्रम